हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू ऑप्शन ए बी सी डी आर गिवन। द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज हियर वी आर यूजिंग सम फॉर्मूलाज विच इज साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास साइन थीटा। क्यों? क्योंकि साइन सेकंड इंटरवल में पॉजिटिव होता है। सेकंड हमारे पास क्या है, कोस पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और उसके बाद हमारे पास टू साइन ए कोस ए इज इक्वल टू होता है साइन टू ए के। अब हमारे पास क्या गिवन है, साइन पाई बाय 14, 3 पाई बाय 5 पाई बाय 7 पाई बाय 9 पाई बाय 11 एंड 13। सो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन पाई बाय 14, साइन 3 पाई बाय 14, साइन 5 पाई बाय 14, साइन 7 पाई बाय 14, 9 पाई बाय 14, 11 पाई बाय 14 और यहाँ पे आ गया हमारा 13 पाई बाय 14। अब हमारे पास ये टर्म्स हैं, जो ये तो शॉर्ट फॉर्म में ही है, मतलब सिंपलेस्ट टर्म्स हैं, तो इनको हम तीनों टर्म्स को ऐसे ही लिख लेंगे, पाई बाय 14, 3 पाई बाय 14 एंड साइन पाई बाय 14। अब यहाँ पे देखो, जो 7 पाई बाय 14 है ये बेसिकली क्या बन रहा है, साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1। साइन 90 बन गया ये, उसकी वैल्यू 1 होती है। अब हम साइन 9 पाई बाय को क्या लिख सकते हैं, 5 पाई बाय 14। और 11 को क्या लिख सकते हैं हम, पाई माइनस 3 पाई बाय 14। और 13 को क्या लिख सकते हैं हम, पाई माइनस पाई बाय 14। तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे साइन पाई बाय 14, साइन 3 पाई बाय 14, साइन 5 पाई बाय 14। अब यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा हमने क्या लिखा था, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो इसमें हमारे पास थीटा क्या है, 5 पाई बाय 14, तो ये आ गया साइन 5 पाई बाय 14। ये आ जाएगा साइन, यहाँ पे थीटा क्या है, 3 पाई बाय 14 है, और यहाँ पे थीटा क्या है हमारा, पाई बाय 14। अब यहाँ पे भी साइन पाई बाय 14 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 3 पाई है, यहाँ पे 3 पाई है, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो बेसिकली क्या हुआ, ये टर्म्स किस में आ जाएंगी हमारी, स्क्वायर में। सो साइन 3 पाई बाय 14, साइन पाई बाय 14 रेस टू द पावर 2। अब हमारे पास क्या है, अब साइन को हमने लेके जाना है कोस की टर्म्स में, तो उसके लिए हमारे पास साइन पाई बाय 14 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 6 पाई बाय 14, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ठीक है, ये हमारा कैसे आया, साइन पाई बाय 2 माइनस 6 पाई बाय 14 लिख लिया इसको हमने। अगर हम एलसीएम लेके देखें तो यहाँ पे 14 एलसीएम बनेगा, 7 पाई बाय माइनस 6 पाई क्या बनता है हमारा, पाई अपॉन 14। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमने इसको कॉस की टर्म्स में लेके जाना है, इसीलिए हम यहाँ पे पाई बाय 2 की टर्म्स में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस 4 पाई बाय 14, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 3 पाई बाय 14। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस हमारा क्या आएगा, 2 पाई अपॉन 14 रेस टू द पावर 2। अब हमारा जो साइन 90 माइनस थीटा है वो क्या होता है, कोस थीटा।
यहाँ पे हमने क्या लिखा था, कोस 90 माइनस थीटा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो इस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं हम, तो हमारे पास यहाँ पे थीटा क्या है, 6 पाई अपॉन 14, 6 पाई अपॉन 14 क्या बन जाएगा हमारा, 3 पाई अपॉन 7। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या है, 4 पाई अपॉन 14, ये क्या बन जाएगा, 2 पाई अपॉन 7। यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या है, 2 पाई अपॉन 14, इसको कटिंग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोस 5 अपॉन 7 रेस टू द पावर 2। अब हमने क्या करना है, इसको हम सेट करके लिख लेते हैं, कोस 5/7 आया है हमारा, उसके बाद क्या आया है, 2π/7, उसके बाद 3π/7। अब हमारे पास इसमें हम क्या करेंगे, हमने ये वाली आइडेंटिटी बनानी है, यहाँ पे 2 sin a cos a। अब यहाँ पे साइन ए तो है नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 sin π/7 से मल्टीप्लाई और 2 sin π/7 से मल्टीप्लाई, उससे ही हमने डिवाइड किया है, कोस 5/7। यहाँ पे क्या बन गया हमारा, ये तो टर्म एज इट इज आ गई, कोस 2π/7 कोस 3π/7 रेस टू द पावर 2। तो यहाँ पे आ गया 1/2, ये तो एज इट इज आ गया, साइन पाई अपॉन सेवन। अब यहाँ पे 2 sin a cos a क्या फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a, तो यहाँ पे क्या बन गया, 2π/7 इंटू कोस 2π/7 कोस 3π/7 रेस टू द पावर 2। अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला बनेगा 2 sin a cos a, लेकिन 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड, तो क्या बन गया हमारा, 1/4 sin π/7। अब यहाँ पे 2 sin a cos a क्या बन जाएगा, साइन 4π/7 यही था हमारे पास, और यहाँ पे हमारा आ गया कॉस 3π/7 रेस टू द पावर 2। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो हम इसे क्या करेंगे, इसको सेट करके लिखेंगे, यहाँ पे साइन 4π/7, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस पाई माइनस 4π/7 लिख सकते हैं इसको हम, क्यों, क्योंकि 7 माइनस 4 क्या हो गया, 3 हो गया। तो हमारे पास क्या बना, यहाँ पे 1/4 sin π/7 sin 4π/7। अब कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा, क्योंकि सेकंड इंटरवल में हमारा कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे माइनस 1/4 sin π/7। यहाँ पे क्या था, साइन 4π/7 कोस 4π/7 रेस टू द पावर 2। अब फिर से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास फिर से फॉर्मूला बन गया 2 sin a cos a का, तो ये क्या आ गया, माइनस 1/8 sin π/7 sin 2π, मतलब साइन 2 थीटा, तो ये आ गया रेस टू द पावर 2। अब हमारे पास यहाँ पे साइन 8π/7 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन पाई प्लस पाई बाय सेवन रेस टू द पावर 2। अब साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, क्यों, क्योंकि थर्ड इंटरवल में चली गई 180 प्लस वैल्यू, थर्ड इंटरवल में साइन हमारा नेगेटिव होता है, तो एक माइनस यहाँ पे था, एक यहाँ से आ गया, तो प्लस होगी वैल्यू, तो क्या आ गया, 1/8 sin π/7 इंटू साइन पाई अपॉन सेवन रेस टू द पावर। अब यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर कितना आ गया, 64। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, कौन सी ऑप्शन बनती है,
ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. होप यू अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक.